सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हाँ नवनीत रंधावा, ते हुण एक नज़र अज के बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने DGP नूं पत्र लिख के नशियां खिलाफ कार्रवाई करन दी कीती मंग। वोटां दी गिनती लई सारे प्रबंध मुकम्मल, आख्या जिला चोन अफसर अते डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने। अमृतसर पुलिस लाइन्स विखे कमांतरी महिला दिवस ते होया समागम। अते हुण खबरां विस्थार नाल। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने DGP VK भावरा नूं लिखे पत्र विच मांग कीती है कि पंजाब च नशियां ते रोक लगाई जाए तां जो पंजाब नूं नशा मुक्त कीता जाए। 10 मार्च नूं जिहड़ा लोक फतवा जिहड़ा वोटां दे राहीं लोकां ने दित्ता है, उहदे नाल नवीं सरकार बन जाणी है। मैं अज अपनी चिट्ठी जिहड़ी कुछ दिन पहलों DGP नूं लिखी सी, उहदा ट्वीट राहीं टैग कर दित्ता है साडे कांग्रेस दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होणा जी नूं, आप दे भगवंत मान जी नूं, कैप्टन साहब नूं, सुखबीर बादल दे बादल जी नूं और ढींडसा साहब नूं और समुचियां पार्टियां नूं कि ये जरूर ख्याल रखियो कि तुसीं तुहानूं शुभ शामां ने जिहड़ा भी मुख्यमंत्री बनेगा उन्होंने गुरु नगरी च नतमस्तक होना आना है और साढ़े बहुत वड्डी समस्या ड्रग की, दड़े सट्टे की, अलकोहल की है अमृतसर दे विच, अमृतसर शहरी च और बाहरले बन्ने। और ये ख्याल रखियो कि जिहड़ा भी DGP लाओगे, जिहड़े पुलिस हैड लाओगे, ये इत्थों खत्म करना है। और ये जिहड़ी चिट्ठी असी लिखी है, असी बिल्कुल कायम है अंतरराष्ट्रीय ड्रग डे तक जो तुहानू टाइम दिता है, जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय एंटी ड्रग डे मनाया जाना है, असी उदों तक टाइम दिता है, तुसी इन्हां नू खत्म करियो। ये असी नहीं तो संघर्ष जरूर करांगे, पार्टी चाहे साडी आवे चाहे कोई भी आवे, गुरु नगरी च असी ये चीज़ां नहीं चलन देनियां। ये समस्या सारे पंजाब की है, सारे समाज पंजाब के लीडर साहबानां नू भी इकट्ठे होकर इहदे ते जरूर गौर करना चाहिए। 20 फरवरी 2022 नूं पईआं वोटां दी गिनती 10 मार्च नूं होण जा रही है अते इस संबंधी जिला प्रशासन वल्लों पूरे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए हन। इस संबंधी पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं जिला चोण अधिकारी अते डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने दस्सिआ कि जिले दीआं 11 विधान सभा हल्कियां दे वोटां दी गिनती वख-वख 11 केंद्रां ते होएगी। 20 फरवरी नूं 13,04,178 लोकां वल्लों वोट पाई गई सी, जो कुल वोट दा 65.87% बनता है। वोटां की गिनती 10 मार्च में वख-वख थावां ते बनाए गए गिनती केंद्रां ते होवेगी। उन्हां दस्सिया कि वोटां की गिनती सवेरे 8 बजे शुरू होवेगी, सब तो पहला पोस्टल बैलेट वोटां की गिनती होवेगी, 7-7 टेबल लगाए जाएंगे, 14 राउंडां विच वोटां की गिनती मुकम्मल किया जाएगा। वोटां की गिनती मुख रखद्या 10 मार्च में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस मौके जिला माल अफसर अरविंदर सिंह, चोन तहसीलदार राजेंद्र सिंह भी मौजूद सन। अपनी काउंटिंग दी स्टेज आ चुकी है और 10 तरीक नूं जिहड़ा है काउंटिंग डे है। अज साडी जिहड़ियां सारियां तैयारियां वगैरह ड्राई रन जिहड़ा हो रहा हैगा, उहदे लई साडे सारे RO साहिबान अपने अपने काउंटिंग हॉलों चों ड्राई रन करके देख रहे ने कि किस तरीके दे नाल इह सारियां रिपोर्टिंग होनी है और उहदी लीज लाइन कनैक्टिविटी हर पहलू तों उहनां नूं चैक कीता जा रहा हैगा। सो अपने ज़िले के तकरीबन जे तुहानूं याद होएगा 65.87% वोटां पईआं ने, साडी 13,41,078 ये कुल वोटां ने जिहड़ियां पईआं ने जिन्हां की हुण काउंटिंग होण जा रही हैगी है। कुल 11 हल्के ने अपने जिथे जिथे काउंटिंग होनी हैगी है और इत्थे 3-tier सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। 1st tier जिहड़ी है साडी आर्मड अपने पंजाब पुलिस, 2nd tier ऑफ जिहड़ा है सिक्योरिटी दैट इज़ स्टेट आर्मड पुलिस और जिहड़ी बिल्कुल स्ट्रोंग रूम दा जिहड़ा फाइनल 1st tier है वह साडी CAPF जिहड़ी है। ये 3 तरह की सिक्योरिटी लेयर्स ने जिहड़ियां कैम कीतियां गईआं ने और इन्हां सिक्योरिटीज़ के मुताबिक ही मैं तुहानूं दसूँगा कि भी इन्हां सिक्योरिटीज़ तो अगे कौन कौन जा सकदा है ते कौन कौन नहीं जा सकदा। काउंटिंग अरेंजमेंट के जिहड़े इंतजाम ने अजनाला दे विच साडे कोल 188 बूथ हैगे ने, इत्थे 14 टेबल तकरीबन सारे हल्कों च लगाए गए हैं,
एक्सैप्ट राजा सांसी जिहड़े ने उत्थे साडे कोल हॉल छोटा सीगा, उत्थे असीं 10 टेबल लगाए गए ने। अजराला च 14 राउंड्स दे विच काउंटिंग होएगी, राजा सांसी च 23 राउंड लगनगे, मजीठा च 15 राउंड दे विच काउंटिंग होएगी, जंडियाला च 16 राउंड चलणगे, अमृतसर नॉर्थ च भी 16 राउंड चलणगे, वैसट च भी 16 राउंड चलणगे, अमृतसर सेंट्रल दे विच 12 राउंड दे विच काउंटिंग होएगी, अमृतसर ईस्ट दे विच 13 राउंड दे विच होएगी, अमृतसर साउथ च भी 13 राउंड चलणगे, अटारी दे विच 15 राउंड च काउंटिंग होएगी, ते बाबा बकाला च 17 राउंड च साडी काउंटिंग होएगी। ए साडी इन्ना राउंड्स दे विच काउंटिंग होएगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ते पुलिस लाइनस विखे समागम कराया गया। इस मौके ते कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल मुख मेहमान सन, अते जॉइंट कमिश्नर डी सुडविजी ADCP जसवंत कौर ने उन्हां नूं जी आया आख्या। कमिश्नर पुलिस ने औरतां दे अधिकारां बारे विचार सांझे कीते। इस मौके ते DCP सूबा सिंह, ADCP रवि कुमार, ACP गुरविंदर सिंह भी मौजूद सन। इंटरनेशनल वूमेन डे है, अज 8 मार्च को मनाया जाता। इस ही तरह असी पुलिस लाइन के अज इंटरनेशनल वूमेन डे जिहड़ा वो मनाया, जिहदा मेन मंतव सीगा एक तो सारे सेंसिटाइज करना वूमेन इशूज के प्रति, और दूसरा साढ़े जिहड़े लेडी ऑफिशियल्स आ उन्हां दे नाल एक इंटरैक्टिव सैशन हो के उन्हां दीआं सुजैशनस लईआं जाण कि पुलिस फोर्स के लेडी ऑफिशियल्स नूं किस तरह दीआं मुश्किलां आउंदीआं, उन्हूं किदां तरीके नाल ठीक किया जा सकदा। सो अज बहुत वधिया सुझाव भी आए। ये एक तरह का इनफॉर्मल प्रोग्राम सी जिहदे विच कल्चरल प्रोग्राम भी सीगा, जिहदे विच लेडी ऑफिशियल्स ने खुद ही ऑर्गेनाइज किया, खुद ही पार्टिसिपेट किया, और नाल असी बड़ा खाना जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया लेडी ऑफिशियल्स। अज इंटरनेशनल वूमेंस डे है, इंटरनेशनल वूमेंस डे को लेके अज अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट में भी हमने वूमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली वुमन डे है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है कि वुमन के जो इश्यूज़ के प्रति हम सेंसिटाइज हो जावें, और जो भी हमारे तरफ से हमने इसके लिए हमारा एफर्ट पुटअप करना है उसको आइडेंटिफाई करें और आगे इनका जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करें। इंटरनेशनल वुमेंस डे ते BNI की मीटिंग अमृतसर च आयोजित की गई। BNI एंटर वालों हुई इस मीटिंग दौरान वुमेन एंटरप्रीन्योर्स नू एप्रीसीएशन अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। एक्टिंग प्रेजिडेंट दृष्टि खुराना, एक्टिंग वाइस प्रेजिडेंट श्रेया खन्ना, वृति सेठ दुआ ने इस मौके पर विचार सांझे किए। रीजनल डायरेक्टर्स अखिलेश होड़ा, आनंद चावला, फास्टवे और नैट प्लस के सुख अमृत सिंह समेत मैंबर मेहमान ने समागम च हिस्सा लिया। एवरी वूमेन इज़ यूनीक, एवरी वूमेन इज़ इनक्रेडिबल, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड कंट्री एंड फैमिली इज मैसिव। वी कैन नॉट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट द वुमेन। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपने, चेज योर ड्रीम्स एंड ग्रैब देम। दूसरों को मत देखो, इंडिपेंडेंट बनो और अपने सपने जरूर पूरे करो। वी हैव ओनली वन लाइफ और उसी में हमने अपने सपने पूरे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबडी, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, बिकॉज एवरी वुमेन इज़ ब्यूटिफुल। आज का जो प्रोग्राम है वो BNI की तरफ से करवाया गया है, दैट इज़ बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, एंड वी आर इन अमृतसर। The Business Networking International is a business networking company from all over the world. It is working everywhere. It's having 2 lakh, 2.5 lakh plus members working in all of the world and more than 940 chapters working in India. इसके साथ आपको एक बताना जाएंगे, इसकी एक्सक्लूसिविटी ये है कि इसमें हर कैटेगरी का एक बंदा ही एक चैप्टर में आ सकता है। चैप्टर वी कॉल इट अ ग्रुप। वी हैव अ वीकली मीटिंग इन द मॉर्निंग 7:29। इट्स अ न्यू ट्रेंड टू अमृतसर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट इजलास 30 मार्च को श्रोमणी कमेटी के मुख दफ्तर विखे तेजा सिंह समुंदरी हॉल च होगा। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की प्रधानगी हेठ इत्थे होई अंतरिक कमेटी की एकत्रता दौरान बजट कमेटी दीआं सिफारशां नूं प्रवान करदिआं बजट इजलास सदन की प्रवानगी दी गई। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने दस्या कि इजलास दौरान वित्तीय वरे साल 2022-23 का बजट पास किया जाएगा अते भविख विच कीते जाण वाले कारजां दीआं तरजीहां निर्धारित कीतीआं जाणगीआं। अंतरिम कमेटी वालों ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसायटी अमृतसर लई 15 लाख रुपए सालाना सहायता देने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक, जूनियर मीत प्रधान प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह, जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजोली भी मौजूद सन। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव की मीटिंग हुई, जिहदे विच क्योंकि हर साल की तरह बजट भी पेश होना, अज बजट सब कमेटी ने जिहड़ी रिपोर्ट समिट अपनी की
वो सारी बची गई आ ते बाच के सारे मैंबर साहबान उन्हों की कल डिस्पैच करती जाऊगी रिपोर्ट तो समुचा बजट नाल ते 30 मार्च नू तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच वो जिहड़ी बजट की मीटिंग जिहड़ी आ वो कीती जाऊगी। उस तों इलावा साढ़े रूटीन दे कई कार्ज सी। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने लोगों को अपील की है कि शहर में आम पब्लिक की सहूलत लई BRTS प्रोजैक्ट तहत मैट्रो बसा चल रही हैं और इन बसा लई एक वखरी लेन बनाई गई है जिस विच दूसरे व्हीकलों के दाखले की मनाही है, पर ज़्यादातर लोग अपने व्हीकल BRTS की लेन में ले जाते हैं जिस कारण कई बार जानी और माली नुकसान भी होंगे। BRTS प्रोजैक्ट तहत मैट्रो बसा चल रही हैं, उस लेन में अपने व्हीकल ना चला, नहीं तो उन्होंने खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अते मोटर व्हीकल एक्ट 2019 दियां धारावां 184 अते 185 तहत जाबते अनुसार FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। को BRTS जिहड़ा कोरीडोर बनया एक्सकलूसिवली BRTS दियां बसां वास्ते बनया होया है, उहदे विच देखण च आया कि बहुत लोग उहदे विच व्हीकल चलाउंदे जिहदे करके, क्योंकि BRTS जदों ड्राइवर जिहड़ा चला रहा उहदे मन च तां इह हुंदा कि एक्सकलूसिव कोरीडोर आ, उत्थे एक्सीडेंट होण दी संभावना वा। वो असी चलानिंग भी इशू की सी पिछे जी, असी हुण एक सर्कुलेट किया है कि 184 ते 185 मोटर व्हीकल एक्ट का एक सैक्शन है जिदे विच ऑफेंस दे विच FIR भी दर्ज हो सकती है डेंजरस ड्राइविंग दे विच, क्योंकि जे तुसी उत्थे ड्राइविंग कर रहे हो तो इट मीनस तुसी अपनी जान दूजियां दी जान जोखिम च पा रहे हो, इट अमाउंट्स टू डेंजरस ड्राइविंग। वो असी एक सर्कुलेट किया है और थोड़े दिन दो तीन दिन असी सारिया नू सर्कुलेट करन तो बाद दे विच जे फिर भी वायलेट करनगे तो FIR भी दर्ज होए। चलो ये तो जो जो कानून बनया जी उहदी एनफोर्समेंट करवाना साडा फर्ज आ। अमृतसर के लोगों की सहूलियत लई पंजाब सरकार ने BRTS प्रोजैक्ट शुरू किया गया, उसके तहत लोगों लई लोकल बस सेवा मुहैया कराई जाती, पर अक्सर देखने जाता कि जो BRTS कोरीडोर है लोग इस विच अपने वाहन लैके निकल पैंदे ने जिस तरह अक्सर एक्सीडेंट होने का खतरा बने रहता। इस बारे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह ने लोगों को चेतावनी दी है कि लोग इस कोरीडोर का इस्तेमाल ना करन, नहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुण FIR भी दर्ज की जाएगी, केस भी दर्ज किया जाएगा। और उन्हें एक बार फिर लोगों ने अपील की है कि एक्सीडेंट तो बचाव लई BRTS कोरीडोर के इस्तेमाल ना करन। कैमरामैन राकेश कुमार, संदीप चाल, फर्स्ट न्यूज़ अमृतसर। 8 मार्च यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जिसके बिना यह संसार ही अधूरा है। महिला इस बदलते युग में मर्दा नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के हर मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वह कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर वर्ग च मल्ला मार रही हैं। जिसके चलदे अज साडी फास्टवे न्यूज टीम वालों अंतरयामी कलोनी तरन तारण रोड विखे जागृति स्पैशल बच्चों का स्कूल विखे टीचर अते अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल विखे डॉक्टर नाल गलबात की गई तो उन्होंने आख्या कि महिला दिवस यानी कि औरतों का दिन जो कि हर वर्ग च सब तो अगे हैं अते संसार विच इन्हां दी अहम भूमिका है अते सानू सारयां नू औरतों का सन्मान करना चाहिए। साडी फास्टवे न्यूज टीम वालों भी सलाम है इन्हां मावां नू, इन्हां महिलावां नू जिन्हां दे साए हेठ असी अपना जीवन बतीत करदे हां। अज महिला दिवस है, इस करके मैं सारिया नू बहुत बहुत वधाई देंदी हाँ। तो ये विच ये है कि हर जिहड़ी लेडीज़ है इनू एक नवा भी मतलब इंसान लियाउण दी परमात्मा ने उन्हां वल्लों बख्शिश मिली हुई है, सानू औरत जात दा सत्कार करना चाहिदा वै। सर मैं सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों को वूमेन डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम लोग लेडीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो लेडीज़ के लिए एक छोटा सा ये प्रोग्राम हमने रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हुनर छुपा हुआ है, ज़रूरत है उसको बाहर लाने की, तो अपना जो हुनर है उसको सबके सामने लाइए, कामयाब बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। हाँ जी, आज का जो दिन है वो हम लोग लेडीज़ के प्रति प्यार स्नेह और समानता का जो अधिकार है उनका, उसके लिए ही आज का दिन मनाया जाता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को आप कम ना समझें, अपने आप को पीछे ना रखें, आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है। सब तो पहले तो महिला दिवस उत्ते मैं हैप्पी वूमेंस डे मतलब टू ऑल सारे नु कहना चाहवांगी। और अगर एज बिंग एक महिला हो के मतलब असी आज कोई एहो जा काम नहीं है जड़ा महिला नहीं कर सकती, और हर फील्ड दे विच ओ जड़ी है छा रही है।
तो मर्दों के मुकाबले अगे आ रही है। तो इस करके मेरा तो यही मनना है कि किसी नूं ऐ नहीं सोचना चाहिए कि एक वूमेनस होने करके असी कोई काम नहीं कर सकते, किसी फील्ड उत्ते अगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने परिवार का अगर सहयोग है तो ये करके किसी भी फील्ड के अगे जा सकती है। संसार की रचना भी साढ़े गुरु नानक देव जी ने भी यही किया है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। तो मेरे ख्याल दे विच वूमेन्स नू जड़ा हैगा वह ना तो किसी चीज़ तो घट समझना चाहिए है, तो हमेशा उन्होंने सगो इनकरेज करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च नू पूरे संसार दे विच मनाया जाता है, तो जे गल कर लिए महिलावां दी, इन्हां दे बिना संसार भी अधूरा है, संसार की संपूर्णता ही इन्हां नाल है। लोड़ है इन्हां दा सम्मान, जिथे इन्हां दी कदर हुंदी है उत्थे रब भी कहिंदे वास करदा है, चाहे वह चंडी का रूप है, दुर्गा का रूप है, यह महिलावां दा बहुत रूप है। तो जे गल कर लिए इन्हां दे कम्मां दी, मल्लां मरदियां ने अज आटो रिक्शा तो लैके ट्रेना चलाण तक, अंतरिक्ष तक जाण तो लैके लड़ाकू जहाज़ चलाण तक हर सफ़र नूं तय कर रहियां ने, मर्दां दे नाल मुढ नाल मुढा जोड़ के काम कर रहियां ने। रब्बा जगते जिंदियां रहन सब दियां मावां, जिन्हां दे साए दे हेठ असीं पलदे हां, ते इस धरती दे उत्ते हर घर नूं सुरग बना रहियां ने। साडी फास्टवे टीम वल्लों सलाम है इन्हां मावां नूं, इन्हां महिलावां नूं जिन्हां दे साए दे हेठ असीं पल के अपना जीवन चला रहे हां। कैमरामैन रमन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़, अमृतसर। बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम BRTS दे तहत भारत पाकिस्तान सरहद JCP अटारी विखे रोजाना होण वाली रिट्रीट सैरेमनी समय अटारी रूट ते बसां शुरू कीतियां जाणगियां, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ BRTS ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ NGO ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਇਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ BRTS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ BRTS ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਿਟਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਟਰੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਮੈਟਰੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਅਫਸਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ JCP ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਟਰੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ BRTS ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ BRTS ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚਾਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2022 ਥੀਮ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂਡੇ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮੋਰੋ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 8 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 5, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ 27। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ,
ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। तरन तारन विखे गैस एजेंसी ते हुई लुट। एते कुछ होर खबरां एक छोटे जाए ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ ₹5 से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बे 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 हेड थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। तरन तारन के नेड़े अलादिनपुर नैशनल हाईवे मार्ग नंबर 54 को गैस एजेंसी मालक तो बीती देर शाम को तीन अनपछाते मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पिस्तौल की नोक से 2.5 लाख रुपए की लुट करके फरार हो गए और जाते जाते सारे स्टाफ को एक कमरे अंदर बंद कर गए। थाना सदर के SHO इंस्पैक्टर सुखबीर सिंह पुलिस फोर्स समेत घटना वाली थां ते पुज गए अते मालिक संदीप सिंह दे बयाना ते अनपछाते व्यक्तियां खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिती है। रोज दी तरह भी इथों कैश जिहड़ा कलैक्ट होके ते घरे जांदा अगले दिन जमा हुंदा क्योंकि बैंकां बंद हो जांदियां शाम नूं। कल भी इदां भी हुण 2 दिन का कैश ही 2.5 लाख रुपये के लागे बन्निया गया संडे विचों निकल के गया है ते कोई 50 दे 3 जिहड़े आ हथियारबंद बंदे अंदर वड़े आ गेट तों सिद्धा तो मैं हाँ तो मेरा मैनेजर ही इतने बैठा गुरप्रीत सिंह एक मेरा ड्राइवर ही 3 जने वो तिने जने जे 3 बंदे आए हथियार लैके मैनेजर मेरा बाहर ही मेरे कैबन तो वो उन्हें सिर के उत्ते जाके पछताव रखा भी जो कुछ है खड़ दे तो उन्हें हाथ खड़े करते भी मेरे को कुछ नहीं है उन्होंने दराज दरूज खोले तो मुड़के उन्हें मैंने अंदर वेख्या अगे कैबन खोल के अंदर आ गए उस वेले अंदर आने के 2 को पछताव ही एक ने मेरी बखी के इतने रखा तो मैंने कहता भी तुम जो कुछ है अपना दे दो ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੈਕਟ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅੰਦਰ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਏ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ESI ਹਸਪੀਟਲ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ESI ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੀਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐੱਚ ਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਲਵਰਟਸ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਧਨੁਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮਨੇ ਸਾਰੇ ਉਨ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਆਨਰ ਕਰਾ ਜਿਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਿਸੀ ਲਾਈਕ ਫੈਮਲੀ ਕੇ ਉਸਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਟਰੋਮਾ ਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਵੋ ਮਹਿਲਾਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਕਿ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਇਜ਼ ਕੋ ਯੇ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੁਮੈਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਉਨਕੀ ਲਾਈਫ ਮੇ ਹੋ, ਵੋ ਬਹਿਨ ਹੋ, ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨਕੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਮ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਧਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 108 ਕੁੰਡੀਏ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 13 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ MK ਗਾਰਡਨ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੁਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਕਿਲੋ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਗਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 500 ਕਿਲੋ ਫਲ, 51 ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਆਦੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਗੋਪਾਲ ਖੰਨਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਮੱਕੜ, ਅਨਿਲ ਧਵਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 13 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ MK ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 551 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਕੁੰਡਿਆ ਯੱਗ ਹੈ, ਸੁਭਾਗਿਆ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮਹਾਂਯੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ MK ਰਿਸੋਰਟ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਯੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਮਦਾ ਘਿਓ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਪ ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾ ਕੇ ਹਵਾ ਯੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੁੰਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੰਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਾ, ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 108 ਹਵਨ ਕੁੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। NCC ਪੰਜਾਬ 1st ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ VK ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਲ VK ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ NCC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਰਕਜ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਸ਼ਹਾਟਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, जनक जोशी, दलवीर कौर समेत कई लोग मौजूद सन। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको ये संदेश दूंगी कि हमें एम्पावर होना है, पर इस एम्पावरमेंट का, इस शक्ति का दुरुपयोग महिलाएं ना करें, सदुपयोग कराएं, क्योंकि एक महिला अगर पड़ जाती है तो उसके साथ सारा परिवार पड़ता है। आज जी बहुत ही दुनिया के विच इंटरनेशनल वूमेन डे, जिन्हों कहते बेटियां का दिन, औरतों का दिन, देश के हर कोने दे विच 1947 की आज़ादी तो बाद जिन्ना मकाम हिंदुस्तान के बंदियां नूं दिता गया सी, उस तों ज़्यादा इन्हां वूमेनां ने अपनी योगदान पा के देश नूं बड़ी तरक्कियां ते खड़िया है। फौज, पायलट, आर्मी दे विच, BSF दे विच, हर फील्ड दे विच औरतां काम कर रही हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी विखे अकाली नेता दिलबाग सिंह वडाली अते गुरप्रीत सिंह वडाली दे पिता सरदार लखविंदर सिंह दी अंतिम अरदास समागम कीता गया। इस मौके पाठ दे भोग पाए गए। इस मौके जिला अकाली दल दे प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का, साबका विधायक डॉक्टर दलबीर सिंह वेरका, साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, SGPC मैंबर राजेंद्र सिंह मेहता, साबका कौंसलर अमरबीर सिंह टोल, मगविंदर सिंह खापड़खेड़ी, उपकार सिंह संधू, साबका चेयरमैन गुरप्रीत सिंह रंधावा, पंजाब BJP दे मीत प्रधान राकेश गिल, SGPC मैंबर भगवंत सिंह सियालका, बाबा सिंह गुमानपुरा, सुरजीत सिंह पिटेवाल, विकी एरी, कौंसलर सुरजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में जिथे गुरु घर के कीर्तन सिंह ने बाणी की सानू सिक्ख्या दे के जिथे गुरु नाल जोड़िया, उथे जीवन मौत दे जिहड़ी सच्चाई है उह तों जागरूक कराया, ते संगत वल्लों जिहड़ी कीती अरदास है ते गुरु महाराज अपमान करता सुरखी साध संगत की जी अरदास है कि साडे सरकार जो सरदार लखविंदर सिंह जी को अपने चरणों के निवास बख्शन। पंजाब राज बिजली निगम सब अर्बन मंडल अमृतसर पेंशनर्स एसोसीएशन वालों मीटिंग प्रधान राम लुभाया मजीठा की अगुवाई हेठ आयोजित की गई। इस मौके पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नूं लैके केंद्र सरकार वालों किए गए फैसले की निंदा की गई। मीटिंग दौरान एसोसीएशन दियां मंगां बारे भी चर्चा की गई। महेंद्र सिंह खैरा, जोगेंद्र सिंह सोही, गुरनाम सिंह, सुखदेव सिंह मरड़ी, राम दिवाली समेत कई मैंबर मौजूद सन। अज का भरवां कट्ठ केंद्र की मोदी हुकूमत को मंग करता कि जेड़े साडा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुद्दा पूरे बिजली कामियां ते पेंशनरां दा नहीं गा, पूरे पंजाब दे लोकां ने अपनी गल नूं पूरे पंजाब च ठारिया, पूरे अमृतसर दे जिन्ने पंजाब दे DC उन्हां नूं मंग पत्र दिते जा रहे आ, असीं सरकार कोलों मंग करदे आ कि उस मुद्दे नूं वापस लिया जावे। जिस तरह पहलां पंजाब ते हरियाणे दी नुमाइंदगी आ 60-40 दा अनुपात आ, उदां ही रहिण दित्ता जावे। असीं इहदे नाल नाल अपणियां 13 सांझियां मंगां वी पंजाब सरकार नूं दित्तियां ने, जिहड़ी सरकार हुण नवीं बण के परसों आइणी आ, उन्हों भी साड़ी बेनती होगी कि साडा जो तुहां 1-1-4 तो बाद पेंशन बंद की आ, वह पेंशन नूं बहाल किया जाए। महाशिवरात्रि के संबंध में विकी शर्मा की टीम वालों सुल्तानविंड रोड विखे लंगर लगाया गया। इस मौके कौंसलर जरनैल सिंह ढोल, मोहित महाजन, गुरमुख सिंह, कवलजीत सिंह अते तरुण जस्सी समेत कई लोगों ने लंगर की सेवा की। परम पूज्य माता लाल देवी जी की अपार कृपा नाल रेलवे लिंक रोड लिबर्टी मार्केट के बाहर महाशिवरात्रि के संबंध में लंगर लगाया गया अते सब शहर वासियां नूं भोले बाबा जी के पावन दिहाड़े की वधाई दी गई। इस मौके राजेश महाजन, काली महाजन, सोनू, मोनू, मिंटू, मनमीत सिंह, अभी अभिषेक समेत वड्डी गिनती च लोग मौजूद सन। गुरुद्वारा पिपली साहिब विखे हफ्तावारी समागम का आयोजन किया गया, जिस दौरान भाई राजेंद्र सिंह खालसा अते
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार कमेटी अते अखंड कीर्तनी जत्था वालों कीर्तनकार संगतां नूं निहाल कीता गया। इस मौके भाई हरजिंदर सिंह सकत्तर दिलजीत सिंह भी मौजूद सन। महाशिवरात्रि के संबंध में हर साल की तरह इस साल भी संजीव सेतिया की अगवाई हेठ नमक मंडी विखे महाशिवरात्रि का दिहाड़ा मनाया गया अते सब शहर वासियों नूं इस पावन दिहाड़े की वधाई दी गई। इस मौके वड्डी गिनती च उच्च शख्सियतां ने पहुँच के भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया अते आए हुए सब मेहमानों नूं सन्मानित किया गया। वड्डी गिनती च संगतां मौजूद सन। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने डीजीपी नूं पत्र लिख के नशियां खिलाफ कार्रवाई करन दी कीती मांग। वोटां दी गिनती लई सारे प्रबंध मुकम्मल आख्या जिला चोन अफसर अते डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने। अमृतसर पुलिस लाइन्स विखे कमांतरी महिला दिवस ते होया समागम। ऐसा नाच दियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दिओ इजाजत। धन्नवाद।